नमस्कार, जय हिंद ऑल ऑफ यू। चलिए एक बार फटाफट से सभी के सभी दोस्त शेयर कर दें भाई। देव चौधरी नमस्कार, माया पाटीदार गुड इवनिंग, सुरेंद्र सिंह गुड इवनिंग, लक्ष्य गुड इवनिंग, मोनू शोरान नमस्कार, शिवराज प्रजापत पधारो साहब, पधार गए साहब, अर्जुन सिंह, जय श्रीनाथ जी, एस के जाट राम राम। एक बार सभी के सभी थोड़ा सा इसको शेयरिंग करते हैं। देखो आज टॉपिक चेंज हो चुका है दोस्तों, आज अल्फाबेट टेस्ट पे अपन बात करेंगे, वर्णमाला परीक्षण पे होंगे आज अपने सारे क्वेश्चन। मतलब जो अक्षर होते हैं ए से लेकर जेड तक के, उन सारे के सारे अक्षरों को अगर एक पंक्ति में बिठा दिया जाए, पंक्ति में व्यवस्थित कर दिया जाए, तो उनसे जो वर्णमाला बनती है उस वर्णमाला पर सारे के सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस किस प्रकार के कैसे कैसे क्वेश्चन वर्णमाला में बन सकते हैं, उन सारे के सारे क्वेश्चनों पर डिस्कशन करेंगे दोस्तों। एक सिंगल सवाल आपका नहीं छोड़ा जाएगा। जिस प्रकार से आपको पीछे के टॉपिक कैलेंडर, घड़ी, घनघना, पासा और वेनारिक, ये चार टॉपिक मैंने आपको अभी तक लाइव क्लास में कंप्लीट करवाए हैं, वैसे ही उन चारों के चारों टॉपिक में एक सिंगल प्रैक्टिस टाइप क्वेश्चन आपका रिमेनिंग नहीं छोड़ा, शेष नहीं छोड़ा। आपको हर प्रकार के क्वेश्चन से अवगत करवाया है कि एग्जाम में ऐसा ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। वही सेम सिचुएशन दोस्तों अपन यहां पर करेंगे, वर्णमाला परीक्षण में कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सारे के सारे क्वेश्चनों पर वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, एक एक पे चर्चा करेंगे। एक छोटी सी चीज आप समझ लो कि ए से लेकर जेड तक जो अक्षर हैं, अल्फाबेट हैं, अगर उन सबको मैं एक पंक्ति में व्यवस्थित करूं तो ध्यान रखना बाएं से जो पहला अक्षर है वो कौन सा है। बाएं से पहला अक्षर है दोस्तों ए, और दाएं से पहला अक्षर कौन सा है, दाएं से पहला अक्षर है आपका जेड। ठीक है, बाएं से पहला अक्षर ए है और दाएं से पहला अक्षर कौन सा है, जेड। आपको इसमें इतना ही ध्यान रखना है कि कोई भी एक अक्षर जैसे अपन लेते हैं, मान लो मैंने ओ ले लिया, तो इस ओ का इस तरफ से कौन सा क्रमांक होता है, ओ इधर से होता है, तो फिर इसका इधर से कौन सा होगा, इधर से क्रमांक वो होगा जो इनका टोटल 27 बनाएगा। टोटल कितना बनाएगा, 27 बनाएगा। सरिता, कल वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया था ना, क्या बाकी रह गया उसमें, लास्ट क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दिया था, कल टॉपिक पूरा हो गया था, 15 और ये 12, मतलब 15 और 12 का टोटल कितना हो गया, 27। तो इसीलिए मैं कह सकता हूं ओ का बाईं ओर से 15वां स्थान है, दाएं से कौन सा स्थान है, 12वां स्थान है। इन सारी की सारी स्थितियों को ध्यान में रख के आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। यहां बिल्कुल नॉर्मल से क्वेश्चन से मैंने सेशन को स्टार्ट किया। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बिल्कुल सिंपल सवाल, लेकिन सिंपल से ही स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे लेवल को बढ़ाते चलेंगे। चलिए क्वेश्चन पढ़िए, बताइए आंसर क्या रहेगा। वॉइस नहीं आ रही है क्या, राजकुमावत कह रहा है, आवाज आ रही है क्या प्रॉपर, प्रॉपर। अभिषेक जाजड़ा, घनघना, बिल्कुल घनपासा पूरा हो गया था यार, सारे के सारे कंप्लीट, एक एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दी आपको, एक लास्ट क्वेश्चन आपको खुद को करने के लिए दिया था मैंने। बाएं से 16वां अक्षर, बाएं का मतलब सीधा सीधा ध्यान में रखना है, बाएं से कौन सा, बाएं से 16वें का मतलब शुरू से 16वां अक्षर, और शुरू से 16वां अक्षर आपको अगर देखना है कौन सा होगा, तो दोस्तों पांच अक्षरों के क्रमांक याद रखो आप, ई जे ओ टी और वाई, इजोटी, एक शब्द जिसके प्रत्येक अक्षर का क्रमांक है 5, 10, 15, 20 और 25। ई 5 नंबर पे, जे 10 पे, ओ 15 पे, टी 20 पे और वाई 25 पे। आपको पता है 16वां नंबर मतलब 15 के जस्ट आगे वाला 16वां होगा, तो ओ से जस्ट आगे कौन होता है, पी। तो बाएं से 16वां अक्षर कौन सा हो गया, पी हो गया। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन इन्हीं क्वेश्चनों से आगे अपने को और एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनाने हैं, इसलिए इन कंसेप्ट को क्लियर करना जरूरी है। ये अगला क्वेश्चन पूछ रहा है दाएं से 15वां अक्षर कौन सा है, बताइए दाएं से 15वां अक्षर कौन सा है। पूजा योगी का आंसर आ गया सी। पूजा योगी का आंसर सी है, हरिदर्शन गुप्ता का सी है, गोवर्धन बीचर का सी है, राजकुमावत का एल आ रहा है,
आरजे 21 का सी आ रहा है, त्रिलोक कुमावत का आई आ रहा है, एसके जाट का सी आ रहा है, सरिता का आई आ रहा है, जीत सिंह सेरावत का एल आ रहा है, अर्जुन का एल आ रहा है। चलिए अब देखो इधर, अब की बार इसने कहा दाएं से पंद्रवा, दाएं से पंद्रवे का मतलब हो गया दोस्तों किधर से, अंत से, लास्ट से पंद्रवा अक्षर। अब देखो वर्णमाला होती है ए से लेकर जेड तक, अगर आप इधर से पंद्रवा अक्षर आपको गिनना है तो उसके लिए तो एक एक अक्षर गिनने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि बाएं से तो हर अक्षर का क्रमांक आप जानते हो, बाएं से तो सभी अक्षरों के क्रमांक जानते हैं, लेकिन दाएं से अगर अक्षर देखने हैं तो एक तरीका तो यह है कि गिन के देखो, नहीं तो दूसरा सीधा सीधा तरीका, बहुत शानदार कंसेप्ट, क्या जो दाएं से पंद्रवा अक्षर है आप ये पता लगा लो उस दाएं से पंद्रवे अक्षर का बाएं से क्रमांक कौन सा होगा। क्यों? क्योंकि बाएं से तो प्रत्येक अक्षर का क्रमांक अपन जानते हैं, और मैंने आपको अभी भी बताया कि किसी भी अक्षर का दोनों ओर से क्रमांकों का योग कितना होता है, 27 होता है दोस्तों। इसलिए दाएं को बाएं और बाएं को दाएं में बदलने के लिए या बदलना पड़े तो उस क्रमांक को 27 में से घटा दो, 27 में से घटाते ही अगर वो बाएं से था तो दाएं में बदल जाएगा और दाएं से था तो वो बाएं में बदल जाएगा। तो दाएं से 15वें अक्षर का बाएं से स्थान कौन सा हो गया, 27 माइनस 15 बराबर 12वां, और 12वां अक्षर कौन सा होता है दोस्तों, 12वां अक्षर होता है एल। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन थे दोनों के दोनों, लेकिन इन क्वेश्चनों से दाएं को बाएं में कन्वर्ट करना मुझे सिखाना था जो सिखा चुका। अब इनके ऊपर क्वेश्चनों पर बात करते हैं, क्लियर है यहां तक, चले अगले क्वेश्चन पे। ये लीजिए, ये आपका क्वेश्चन है, पढ़िए आराम से और दीजिए क्या जवाब है, आंसर क्या होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं से 12वें और दाएं से 5वें अक्षर, दाएं से 12वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा, बताइए क्या रहेगा आंसर। अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं से 12वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा, अरे यार ऐसे क्वेश्चन में इतना टाइम मत लगाओ, ऐसे क्वेश्चनों में अगर इतना टाइम लगाओगे तो फिर आगे वाले क्वेश्चनों में क्या करेंगे। त्रिलोक का आंसर आ गया टी, अनीता खद्दा का आ गया सी, बबलू सिंह का आ गया सी, राजकुमावत का आ गया आर, एस के जाट का आ गया सी, जितेंद्र ढाका, राजकुमार जाट क्या कह रहा है, विकास योगी का आ गया डी, सरिता का आ गया टी, सुरेश सोनिया का डी, मुकेश मेघवाल का सी। अब देखो आप, ये कह रहा है दाएं से 12वें, इस यहां लिखता हूं इसको पूरा अच्छे से समझाने के लिए, दाएं से 12वें के दाएं 5वां। दोस्तों इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि इसकी शुरुआत कहां से हो रही है, देखो इसने शुरुआत करी है दाएं से, तो फिर ये चाहे कितनी बार घूम जाए आगे लेकिन इसकी मूल दिशा हमेशा ध्यान रखना दाएं से ही रहेगी। ठीक है, जो भी अक्षर अपने को गिनना है वो दाएं तरफ से गिनना होगा। अब आप ये देखो दाएं से 12वें के दाएं 5वां, यहां पर आपको एक ही चीज देखनी है कि ये वाली दिशा अगर पहली वाली दिशा के साथ सेम है तब तो इनके क्रमांकों का होगा अंतर, तब तो क्रमांक घटेंगे, और अगर ये दायां है और ये बायां है तो फिर क्रमांक जुड़ेंगे। लेकिन यहां पर दाएं से 12वें के दाएं 5वां दोनों के दोनों सेम है तो घटेंगे, 12 माइनस 5 बराबर क्या आ गया 7। आपको दोस्तों दाएं से कौन सा अक्षर चाहिए, 7वां। दोस्तों ए से लेकर जेड तक दाएं से 7वें का मतलब क्या हो गया, लास्ट से 7वां, लास्ट से 7वां अक्षर तो अभी भी मैंने आपको बताया गिनना पड़ेगा, लेकिन गिनने जितना अपने पास टाइम नहीं है तो क्या करते हैं आप, जो दाएं से 7वां अक्षर है उसका बाईं ओर से क्रमांक पता लगा लो कौन सा है, तो दाएं से 7वें को 27 में से घटा देते हैं तो जो भी आएगा वो उस अक्षर का बाएं से क्रमांक हो जाएगा। मतलब दोस्तों ये हुआ कि दाएं से 7वां वो है जो बाएं से 20वां है, और बाईं ओर से 20वां मतलब शुरू से 20वां, शुरू से 20वां अक्षर आपको पांच शब्द बताए कौन कौन से, ई जो टी, 5, 10, 15, 20 और 25, तो 20 नंबर पे कौन हो गया टी हो गया, आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया टी। दोस्तों आंसर आएगा डी, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर और नॉट,
विनोद रामपुरा गुड इवनिंग, विजय डूंगरपुर गुड इवनिंग, बोलो क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं आया भाई, कोई डाउट है इसमें? चलिए सिंपल क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं है। अगला आगे वाला क्वेश्चन बताओ क्या होगा। बढ़िया से बढ़िया सवाल आपको करवाएंगे, एक से बढ़ के एक क्वेश्चन। वर्णमाला परीक्षण में जिस लेवल तक जितने स्टैंडर्ड तक क्वेश्चन आ सकते हैं ना, उतने स्टैंडर्ड तक क्वेश्चन मेंटेन करेंगे, चिंता करने की कोई बात नहीं। आप तो बस कंटिन्यू चलते जाओ। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से आठवें और बाएं से सत्रहवें अक्षर के ठीक बीच कौन सा अक्षर होगा? विकास असीवाल क्या कह रहा है भाई, ये नोन मत लिख, या तो पूरा कमेंट लिख यार ताकि समझ में आए। कन्हैया बाजडोलिया गुड इवनिंग। अनीता खद्दा का आ गया डी, सरिता का आ गया आर, गोर्धन भीचर का आ गया डी, अभिषेक झाजड़ा का आ गया आर, सरिता का आर, हरिदर्शन गुप्ता का डी, त्रिलोक कुमावत का क्यू, गोविंद कराई का आर, बाबाजी का आर, विष्णु राम राम, त्रिलोक कुमावत का बी, अभिषेक झाजड़ा आर। अरे भैया देखो तो सही क्या पूछना चाहता है यार, ऐसे क्या हवा में तीर मार रहे हो आप हैं? नवल किशोर गुजर गुड इवनिंग। चलिए डी आंसर है, कईयों का आर आंसर है। अब समझो आप इस क्वेश्चन को ढंग से, क्या कह रहा है? अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से जो आठवां अक्षर है और बाएं से जो सत्रहवां अक्षर है उनके ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा ये पूछ रहा है। पहले तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको यह पता लगाना पड़ेगा कि दाएं से आठवां अक्षर कौन सा होता है और बाएं से सत्रहवां अक्षर कौन सा होता है। ठीक है, बाएं से सत्रहवां तो अपने को पता है, बाएं से सत्रहवां मतलब शुरू से सत्रहवां। शब्द क्या है? ईजोटी। पांच दस पंद्रह, पंद्रह पे अगर यह है तो सोलह पे होगा, पंद्रह पे ओ है तो सोलह पे पी, सत्रह पे क्यू। बाएं से सत्रहवां कौन हो गया? क्यू हो गया। और दाएं से आठवां कौन सा, अगर इसका पता लगाना है तो मैंने आपको क्या बताया कि आप जो दाएं से आठवां है उसका बाईं ओर से क्रमांक पता कर लो कौन सा है। तो दाएं को बाएं में बदलने के लिए संकल्प कोचिंग चोरी कल चोरू कल वाला टॉपिक पूरा नहीं हुआ। अरे हो गया भाई, कल का टॉपिक पूरा हो चुका था, लास्ट क्वेश्चन आपको करने के लिए दिया था मैंने कि ये लास्ट क्वेश्चन आपको करना है, और अगर वो नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लास के सेशन के लास्ट में मैं सोल्व करवा दूंगा, लेकिन टॉपिक पूरा हो चुका था, वो कुछ भी नहीं बचा। आप किताब उठाओ, प्रैक्टिस सेट उठाओ, करके देखो कैसे नहीं हुआ। ऐसा हो ही नहीं सकता कोई टॉपिक बीच में छोड़ दिया जाए, चाहे दो दिन ज्यादा लग जाएंगे टॉपिक पूरा करवाया जाएगा। कल टॉपिक पूरा हो चुका था, लास्ट क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दिया था मैंने, वो क्वेश्चन आपको करना था। हाँ, दाएं से आठवें का बाएं से क्रमांक पता कर लेते हैं, क्या करेंगे, 27 में से घटा देते हैं 8, 27 में से 8 गया तो 19, 19 नंबर पे कौन आएगा? देखो टी आता है 20 पे, तो टी से पहले कौन आएगा? एस, एस आ गया 19 पे। अब ये पूछ रहा है कि इन दोनों के बीच में कौन आता है, क्यू क्यू और एस के बीच में कौन आता है? आर आता है। ये लो, सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन यहां पर मेरा टारगेट फिलहाल ये इजी इजी क्वेश्चन करवाने के पीछे यही है कि आप ये दाएं बाएं के सारे कंसेप्टों को अच्छी तरह से सीख जाओ, आगे जाके आपके कोई समस्या नहीं आए ऐसे क्वेश्चन। क्लियर है क्वेश्चन? चले अगले क्वेश्चन पे। चलिए ये अगला सवाल, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अंत के 21 अक्षर गिने और आरंभ के 20 अक्षर गिने तो इन दोनों के दोनों स्थितियों के उभयनिष्ठ जो अक्षर है ना, जो कॉमन है दोनों में, उनमें बिल्कुल मध्य में कौन सा अक्षर होगा यह आपको बताना। बढ़िया सवाल है भाई, बताइए क्या आएगा आंसर। चलिए 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 फटाफट से बताएं। चलो एक बार फिर समझा देंगे, समझ लो ये, समझ लो ये और वो एक ही चीज है।
अंकित चावला नमस्कार भाई। परदेशी बाबू का आ गया सी। सोनी कुमारी का आ गया डी। राजकुमावत का ए आ गया, लक्ष्य का डी आ गया, बाबाजी का सी आ गया। अर्जुन का एम आ गया, शिव प्रकाश का सी आ गया, सुरेश यादव का डी आ गया। अब देखो सुन लो भाई, क्वेश्चन कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला के अंत के तो 21 अक्षर गिने। अंग्रेजी वर्णमाला कहां से कहां तक हो गई? ए से जेड तक। ये कह रहा है लास्ट के तो 21 अक्षर गिन लो, लास्ट से शुरू करके 21 अक्षर गिन लो और शुरू के 20 अक्षर गिन लो। ठीक है, लास्ट के अक्षर, लास्ट के 21 और शुरू के 20 अक्षर गिनेंगे तो इनमें जो कॉमन आएंगे ना, ये कहना ये चाहता है कि इनमें जो कॉमन अक्षर है उन कॉमन अक्षरों के बीचों बीच कौन सा अक्षर आएगा, ये अगला पूछ रहा है। तो एक काम करते हैं, पहले पर आप ये पता लगाओ कि अगर अपन लास्ट से 21 अक्षर गिनेंगे तो 21वां अक्षर कौन सा है और एक शुरू से 20 अक्षर गिनेंगे तो 20वां अक्षर कौन सा है, सबसे पहले यह पता लगाओ आप। ठीक है, बढ़िया चीज है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना भाई। तो पहले देखो आरंभ से 20वां, आरंभ से 20वां का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया बाएं से 20वां, क्योंकि शुरुआत तो बाईं ओर से ही होती है। और बाएं से 20वां अक्षर कौन सा है दोस्तों? अभी अभी मैंने बताया आपको क्या, ई जो टी, ये वो पांच अक्षर है जिनके क्रमांक है 5, 10, 15, 20 और 25। तो ये कौन सा अक्षर हो गया? बाएं से आरंभ से 20वां अक्षर हो गया आपका टी। और अब कह रहा है अंत से 21वां, अंत का मतलब क्या हो गया? दाएं से 21वां। और दाएं से अगर 21वां अक्षर देखना है तो मैंने आपको बता दिया दोस्तों, क्या बताया कि आप इसका दाएं का ये पता लगा लो कि जो दाएं से 21वां अक्षर है उसका बाएं से क्रमांक कौन सा होगा। तो दाएं को चेंज करते हैं, देखो बाएं में क्या 27 में से 21 को घटा दो, किसी भी क्रमांक को, किसी भी अक्षर के क्रमांक को 27 में से घटाने का मतलब उसकी दिशा चेंज हो जाएगी। दाया है तो बाया में बदल जाएगा, बाएं है तो दाएं में बदल जाएगा। मतलब यह हो गया दोस्तों कि दाएं से 21वां अक्षर वो है जो बाएं से कौन सा है? छठा। और बाएं से छठा अक्षर कौन सा होता है? एफ होता है। तो आपको क्या है, एफ और टी के जो बीच के अक्षर हैं उनमें यह पता लगाना है कि बीचों बीच कौन है। ठीक है, अब सुन लो, सीधा सीधा तरीका बताता हूं। देखो क्या, एफ कितने नंबर पे है? 6। टी कितने पे है? 20 पे। अगर इन दोनों के बीचों बीच का अक्षर चाहिए तो आप इन दोनों को जोड़कर आधा कर दो। कोई भी दो संख्याओं के बीचों बीच की संख्या का मतलब उनका औसत हो गया, और औसत हो गया दोनों को जोड़कर आधा कर दो। 20 और 26, 26 का आधा 13। 13वां अक्षर कौन सा होता है दोस्तों? 13वां अक्षर होता है एम। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ गया एम। क्वेश्चन की लैंग्वेज ही उठपटांग है, बाकी अगर इसको सीक्वेंस से समझा जाए तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अगर कोई भी दो अक्षरों के बीचों बीच का अक्षर चाहिए तो दोनों को जोड़कर आधा कर दो, और जोड़कर आधा करने से अगर मान पॉइंटों में आता है तो इसका मतलब समझ जाना उनके बीचों बीच का अक्षर हो ही नहीं सकता। ठीक है, चलिए ये अगला सवाल। ये आपको पहले से अगले ने अल्फाबेट का क्रम दे रखा है, इसी क्रम के अनुसार चलना इस क्वेश्चन पे। बताइए क्या रहेगा? सूरज सिंह राठौड़ कह रहा है माइनस 6 क्यों किया? देखो सूरज जी, आप अल्फाबेट का कोई भी अक्षर ले लो, जैसे मान लो मैंने एन ले लिया, तो एन का इधर से और इस तरफ से दोनों ओर से क्रमांक देखोगे ना आप, तो इन दोनों क्रमांकों का टोटल 27 आएगा। जैसे आप इसका इधर से क्रमांक देखोगे 14 होगा और इधर से क्रमांक देखोगे 13 होगा, दोनों का टोटल कितना रहेगा? 27। अब मान लो कि आपको इस तरफ से बाएं से क्रमांक दे दिया 14वां लेकिन आपको दाएं से चाहिए, या दाईं ओर से दे दिया लेकिन आपको बाईं ओर से चाहिए, तो उस अक्षर के क्रमांक को 27 में से कम कर देते हैं। 27 में से घटाते ही उसकी दिशा चेंज हो जाएगी। अगर वो बायां था तो दाएं में बदल जाएगा और दायां था तो बाएं में बदल जाएगा। इसीलिए जो दाईं ओर से 21वां अक्षर है उसका अपन ने बाएं से पता लगा लिया। क्यों? क्योंकि बाएं से हर अक्षर का क्रमांक अपन जानते हैं, लास्ट से अक्षरों का क्रमांक नहीं। जैसे दाईं ओर से अगर वर्णमाला में लास्ट से 21 अक्षर देखने तो फिर गिनेंगे थोड़ी यार, इतना टाइम नहीं है अपने पास, आप भी समझते हो।
इसलिए अपन ने जो दाईं लास्ट से 21वां अक्षर है उसका शुरू से क्रमांक पता कर लिया, शुरू से वो छठा है, छठे अक्षर पे अपने को पता है छठे नंबर पे एफ आता है। क्लियर? चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। दाएं से सातवें अक्षर के दाएं पांचवा। तो दोस्तों देखो, शुरुआत हुई है दाएं से तो मूल दिशा ये चाहे कितनी बार घूम जाए लेकिन लास्ट में आपको गिनती दाएं से ही करनी है। दाएं से सातवें के दाएं पांचवा, देखो दाया दोनों सेम है, सेम अगर है तो हमेशा क्रमांक घटते हैं और अगर अलग अलग हैं तो जुड़ते हैं। मान लो ये दाया और ये बाया होता या ये बाया और ये दाया होता तो फिर ये दोनों स्थानों का क्रमांक हमेशा जुड़ता। तो सातवें से पांच गया दो, मतलब दाएं से दूसरा अक्षर आपको गिनना है। ये पूरी वर्णमाला, क्योंकि आगे कौन है जे, ये पूरी वर्णमाला है तो इसमें दाई ओर से मतलब लास्ट से दूसरा अक्षर कौन है, एन है। सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल नॉर्मल सवाल है। कौन सा आंसर आ गया आपका? आंसर आ गया फर्स्ट एन। राजू कुमावत राम राम, बोलो क्लियर है क्वेश्चन, कोई डाउट? चलिए अगला सवाल। अब वही सेम क्वेश्चन है, निम्न वर्णमाला के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देने अपने को। पूछ रहा है दाएं से 16वें अक्षर के बाएं सातवां अक्षर क्या होगा। योगेश पचार, दायां बायां कभी समझ में नहीं आया, समझोगे तो आ जाएगा समझ में, कोई बड़ी बात नहीं है। ये सबसे सिंपल चैप्टर है यार, यही समझ में नहीं आएगा क्या? चलिए बताइए, दाएं से 16वें अक्षर के बाएं सातवां। दाएं से 16वें अक्षर के बाएं सातवां, संजू जाट का आंसर आ गया बी, राजकुमावत का आ गया बी, सरिता का आ गया बी, परदेशी बाबू का बी आ गया, सूरज सिंह राठौड़ बी आ गया, राजकुमावत का बी आ गया, आयुष का एम आ गया। अब तो पढ़ ही नहीं पा रहे यार, अब तो स्पीड से चल रहे हैं भैया सभी। देखो दाएं से 16वें के बाएं सातवां, देखो शुरुआत दाएं से हुई है ना तो फिर चाहे कितना ही घूम के आ जाए लेकिन लास्ट में गिनना आपको दाएं से ही पड़ेगा। ठीक है, दाएं से 16वें के बाएं, अब आप ये देखो शुरू दाएं से हो गया और फिर बायां, दायां और बायां ये दोनों के दोनों अलग अलग है, अगर अलग अलग है तो स्थानों का हमेशा योग होगा, मतलब ये जुड़ेंगे। कितना आएगा? 16+7=23। आपको दाई ओर से 23वां अक्षर गिनना है, मतलब किधर से, लास्ट से शुरू करके 23 अक्षर गिनने। ठीक है, कितने हो गए देखो, 3 और 3 6, तो ये हो गए 6 3 9 9 3 12, 12 3 15 15 3 18 18 3 21, और 21 कौन सा गिनना है, 23वां, 21 और 2 23। ये लो 23वां अक्षर कौन आ गया, बी आ गया। दोस्तों अपन ने काउंट कर लिया इस सीरीज में, अरे भाई ये पी के, ये है ना, ये इसके आगे लिखे जाएंगे पी के ओ एल एन एम। अब दाएं से 23वां गिनना है तो कौन सा अक्षर आ गया, बी आ गया। लेकिन इसको इतना नहीं करके अगर सीधा भी करना चाहते तो कर सकते थे, ठीक है, सीधा भी कर सकते थे। कैसे देखो आप अच्छे से, दाएं से 16वें के बाएं सातवां, टोटल अक्षर तो 26 ही है ना भाई, वर्णमाला तो पूरी की पूरी है, केवल अक्षरों का सीक्वेंस ही तो बदला है, अक्षरों की जगह चेंज की है। तो एक काम करो, दाएं से 23वां जो है उसका बाएं से कौन सा नंबर आएगा, दाएं को बाएं में बदलने के लिए किसमें से घटा देते हैं, 27 में से घटा देते हैं, 27 में से 23 गया तो कितना, 4। जो दाएं से 23वां अक्षर है वो बाएं से कौन सा है, चौथा। तो इजी वे में काउंट करने के लिए दाएं से 23 गिनो, उसके बजाय बढ़िया है ना बाएं से 4 गिन लो, बाएं से चौथा कौन आ गया, बी आ गया। ये लो सेकंड ऑप्शन आपका आंसर हो गया। बोलो समझ में आ गया क्या, कोई डाउट, कोई समस्या है तो बोल दो भाई, क्लियर करेंगे आपकी समस्या। संकल्प कोचिंग चूरू ओरिजिनल पता नहीं चल, चलो थैंक यू भाई। बाकी अगर प्रैक्टिस करोगे तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। देखो रीजनिंग और मैथ्स मेरी नजर में है ना,
सबसे बढ़िया सब्जेक्ट है, सबसे इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है। मैं रीजनिंग और मैथ्स दोनों पढ़ाता हूं। जो पीछे एसएससी जीडी का बैच था उसमें एसएससी जीडी में मैथ्स रीजनिंग दोनों मैंने लाइव क्लास में पढ़ाई है, ठीक है। दोनों इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है, दोनों एक दूसरे से लिंक है। जितना आप इनको सीखने की कोशिश करोगे उतना ही ज्यादा से ज्यादा समस्या है, ज्यादा से ज्यादा सीखोगे। चलिए बताइए क्वेश्चन। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को इस प्रकार लिखा जाता है कि प्रथम अर्धांश, देखो दोस्तों जहां अर्धांश की बात आ गई, एक बार मैं अर्धांश का मतलब समझा देता हूं आपको क्या है। ए से लेकर जेड तक टोटल कितने अक्षर होते हैं? 26। 26 के मैं अगर आधे आधे के दो टुकड़े करूं, ठीक है, तो 13-13 के हो जाएंगे। मतलब पहला 13 का हो जाएगा ए से एम और दूसरा 13 हो जाएगा एन से जेड। ये आपका एक अर्धांश हो गया और ये दूसरा अर्धांश हो गया। इस अर्धांश को बोलते हैं प्रथम अर्धांश। हर चीज को समझते जाओ आप, 90% तो लाइव क्लास में यार क्वेश्चन के साथ थ्योरी क्लियर कर दूंगा आपकी। और ये हो गया आपका कौन सा? द्वितीय अर्धांश। प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश, इसका दूसरा नाम देखो, इसको फर्स्ट स्टेप भी बोलते हैं और इसको सेकंड स्टेप बोलते हैं। इसका तीसरा नाम, इसको पूर्वार्ध भी बोलते हैं। अर्ध मतलब आधा, पूर्व मतलब पहले, पहले वाला आधा, और इसको उत्तरार्ध भी बोलते हैं, बाद वाला आधा, ठीक है। ये सारे के सारे इसी के नाम है। अब इसने अर्धांशों की बात करी है तो अर्धांशों की बात करते हैं। देखो पढ़ो अब सवाल क्या कह रहा है। प्रथम अर्धांश मतलब कहां से कहां तक वाला? प्रथम अर्धांश हो गया ए से एम वाला। प्रथम अर्धांश में ए को एम से बी को एल से बदला जाए, तथा द्वितीय अर्धांश में, द्वितीय अर्धांश हो गया आपका एन से जेड वाला। द्वितीय अर्धांश में एन को जेड, ओ को वाई, पी को एक्स से बदला जाए, और परिवर्तन का यही क्रम आगे भी जारी रखा जाए तो निम्न प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है दाएं से आठवें अक्षर के बाएं 15वां अक्षर कौन सा होगा? बताइए क्या रहेगा आंसर। अर्दीप जालोपिया, आपके बताने के बाद में समझ में आता है, बाद में आ जाए तो ठीक है ना भाई, पहले समझ में आ जाएगा फिर मेरे से पढ़ोगे थोड़ी आप हैं। सुरेश कुमार यादव, राजस्थान जीके की क्लास लगती है भाई, अब महिला बाल अपराध कंप्लीट हो गया उसकी जगह ज्योग्राफी स्टार्ट होगी। चलिए क्या आंसर आ रहा है? जे आंसर दे रहे हैं भाई। संजू जाट का पहला आंसर है जे, बाबा जी का ए आ रहा है, शिवानी चौहान गुड इवनिंग, प्रेम दिवारिया का डी आ रहा है, विष्णु का डी आ रहा है, संजू वर्मा का डी ए आ रहा है, बबलू सिंह का ए आ रहा है, विष्णु का डी आ रहा है, परदेशी बाबू का डी आ रहा है। देखो सुनो इधर, इसने क्या बोला, एक को तो किससे लिखा? एम। एक को एम से और बी को एल से, मतलब सीधी सीधी बात है यार, पहले अक्षर को लास्ट की जगह लिख दिया, लास्ट को पहले की जगह लिख दिया, तो आप इसका मीनिंग समझ गए होंगे मेरे हिसाब से, क्या कि ए से लेकर एम तक का जो क्रम है उसको उल्टा कर दिया, एम से ए तक हो गया, ठीक है। और दूसरा, ठीक है, दूसरा एन से लेकर जेड तक का जो क्रम है उसमें भी वही काम हो गया, वो जेड से लेकर कहां तक हो गया? एन तक हो गया। ये इसने जो ऊपर रामलीला लिखी है ना उसका मतलब ये है, ठीक है। हाँ लक्ष्मण कालावत, कल की क्लास का रेस्ट है भाई, कल आराम करेंगे, फिर परसों से उसी जोश में पढ़ाएंगे। दाएं से आठवें अक्षर के बाएं 15वां, देखो शुरुआत किधर से करी इसने? दाएं से, तो लास्ट में किधर भी घूम लो लेकिन गिनना आपको दाएं से ही पड़ेगा। देखो दाया और फिर ये कौन सा है? बाया। दाया और बाया दोस्तों दोनों एक ही सेम दिशा है या अलग अलग है? दाया और बाया अलग अलग है, अलग अलग है तो जुड़ेंगे। 8+15 बराबर क्या आ गया? 23। आपको इधर से 23वां अक्षर गिनना है, गिनना है, ठीक है। अब सुनना भाई ध्यान से, यहां तक कितने अक्षर हो गए? यहां तक अक्षर हो गए 13, क्योंकि अर्धांश हो गया ना एक, तो 13 तो यहां तक हो गए, जबकि गिनने कितने हैं? 23 गिनने हैं। तो इसका मतलब दूसरे इधर वाले अर्धांश में घुसकर कितने अक्षर गिनने आपको? 10। 13 और 10 23। एक बात बताओ, इधर से पहला अक्षर कौन सा है?
ए, तो ए से चालू होकर 10 अक्षर गिनेंगे तो 10वां अक्षर तो अपने को पता है, ए से शुरू होकर 10वां अक्षर कौन होता है, ई जो टी शब्द लिखा है कौन सा होता है, ई जो टी में 5 नंबर 10 नंबर जे होता है दोस्तों, आंसर हो गया आपका जे। बोलो आया समझ में, क्लियर है? योगेश पचार, कल मैराथन होना चाहिए किसी भी का भी हो। योगेश भाई मैराथन के लिए बहुत प्रिपेयर होना पड़ता है, मैराथन ऐसे ही नहीं होता है। मैराथन के लिए कम से कम पहले 3 घंटे अगर मैराथन करना है तो 3 घंटे के लिए टीचर को कंटेंट तैयार करवाने पड़ते हैं, 3 से 4 घंटे खुद बैठ के। मैराथन का मतलब यह थोड़ी होता है, आपके यहां क्लासेज जो हो रही है इसका मतलब आप ये समझ रहे हो क्या कि ऐसे ही कहीं से कोई ऑपरेटर या कोई टेक्निकल आदमी होंगे वो क्वेश्चन उठा के टिका देते होंगे, रिया के पढ़ा देते होंगे? नहीं, हमें हर चीज पे विचार करना पड़ता है कि कौन से बैच को लिया जा रहा है, कौन से बैच को पढ़ा रहे हैं, किसको ध्यान में रख के कौन से क्वेश्चन तैयार करवाने। ऐसा थोड़ी होता है भैया। हरदीप जालोपिया, हां देखो एक बार दोबारा समझो, दोबारा समझ लो भाई, दोबारा समझ लो क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला इसने, अर्धांश की बात करी, अर्धांश तो समझ में आ गया आपके, पहला अर्धांश कहां से कहां तक होता है, 13 अक्षर का पहला अर्धांश और आगे वाले 13 अक्षर का दूसरा अर्धांश। इसने क्या बोला, ए की जगह एम लिखना है, बी की जगह एल लिखना है। तो देखो आप, ए के बाद में आता है बी और एम से पहले आता है एल। इसने कहा ए की जगह एम लिख दो तो एम की जगह कौन हो जाएगा, ए। बी की जगह एल लिख दो तो एल की जगह बी। अरे कुल मिला के बात है, इसका क्रम उल्टा हो गया यार, है? तो ये क्या हो जाएगा, ए से जो एम है वो हो जाएगा एम से ए, और वैसे यही चेंज हो जाएगा, जो एन से जेड है वो हो जाएगा जेड से एन। अब आप इधर से देखो कौन सा अक्षर गिनना है आपको, दाएं से 23वां, 23 अक्षर इधर से गिनेंगे, ये लो ये 23 अक्षर गिनते हैं। तो यहां तक कितने अक्षर हो गए, इधर वाले अर्धांश 13 अक्षर हो गए हैं, ठीक है, तो 13 तो ये हो गए, 23 गिनने हैं, तो बताओ इस तरफ और कितने गिनने पड़ेंगे, 10, तभी तो 23 होंगे। अब 10 अक्षर गिनने के लिए आपने शुरुआत कहां से करी, देखो इधर से 10 अक्षर गिन रहे, तो शुरू कहां से हुआ, ए से, और ए से शुरू करके 10 अक्षर गिनने की क्या जरूरत है, ए का मतलब स्टार्टिंग हो रही है, अरे वर्णमाला की शुरुआत ए से ही तो होती है भाई, तो ए से शुरू करके 10वां अक्षर कौन हो गया, जे हो गया, बस क्या सोल्व करने की आवश्यकता है, जे आंसर आ गया। हार्दिक भाई समझ में आ गया, लो ये अगला क्वेश्चन, सेम वही क्वेश्चन है, ऊपर की लैंग्वेज सेम टू सेम वही है, वही पैराग्राफ का सेकंड क्वेश्चन है। परदेशी बाबू आवाज नहीं आ रही है भाई, शायद तेरे पास ही प्रॉब्लम हो सकती है यार, देखता हूं फिर भी। अब आ रही होगी शायद प्रॉपर, कोई दिक्कत नहीं है, बताइए क्या आंसर आएगा। प्रथम अर्धांश में ए को एम से बी को एल से बदला जाए तथा द्वितीय अर्धांश में एन को जेड और ओ को वाई पी को एक्स, कुल मिला के वही सारी बात है कि पहले और दूसरे अर्धांश एक दूसरे से उल्टे हो गए। हरिदर्शन से और के का मतलब समझाइए, अरे यार ये तो समझा चुका हूं भाई कैलेंडर में पहले। आप एक काम करो हरिदर्शन, कैलेंडर टॉपिक मैंने पढ़ा रखा है यूट्यूब क्लासेस की लाइव, जो यूट्यूब जो चैनल है उसमें पीछे एक रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएगी, उसमें कैलेंडर की शायद पहली क्लास या दूसरी क्लास चेक कर लो आप, उसमें पूरा के से का पूरा मतलब समझाया हुआ, ठीक है। हाँ जी, क्या पूछ रहा है, बाएं से शुरुआत हुई है भाई, बाएं से तो कहीं भी घूम के आ जाए भले, गिनना बाएं से ही पड़ेगा। देखो बाएं से और फिर है दायां, दोनों अलग है तो जुड़ेंगे, ये लो 10+7=17 अक्षर गिनना है अपने को बाएं से। अब आप अर्धांश हो गए उल्टे, पहला अर्धांश ए से एम है, दूसरा एन से जेड है, लेकिन इसको इसने क्या कर दिया, उल्टा, जो ए से एम था उसको दोस्तों इसने कहां से कहां कर दिया, एम से ए कर दिया, और जो एन से जेड था उसको इसने क्या कर दिया, जेड से एन कर दिया, ऐसा ही तो किया है। अरे भाई पीछे समझा दिया इसको, ऊपर वाले को वही सेम चीज है ये,
तो फिर बाएं से 17वां अक्षर गिनना है। बाएं से 17वां गिनेंगे, यहां तक कितने हो गए, यहां तक 13 हो गए, तो अब आगे कितने और गिनने, 13 के आगे 4 और गिनेंगे ना इसमें, तब जाके 13 और 4 17 होंगे। तो बताओ जेड से पहले एक तो जेड हो गया, इससे पहले वाई, इससे पहले एक्स, इससे पहले डब्ल्यू, तो 13 के बाद देखो 14, 15, 16 और 17, 17वां अक्षर कौन सा हो गया, W हो गया भैया। ए आंसर आ गया आपका, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया या नहीं आया, कोई डाउट किसी को, और आ गया समझ में तो ठोको लाइक सारे के सारे। यार लाइक में कंजूसी मत करो, लाइक करते रहो, लाइक करते रहने से जोश आता जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन, चलो ये भी क्लियर कर लेते हैं भाई, राजस्थान जी की क्लास कब से स्टार्ट होगी, क्लियर करते हैं। आप इस क्वेश्चन का आंसर बताएं, क्या आंसर आएगा, हाँ जी। जीके की क्लास मंडे से स्टार्ट है आपकी ज्योग्राफी की, ये कंफर्म न्यूज दे रहा हूं मैं आपको। जो 9 बजे जहां महिला बाल अपराध की क्लास चलती थी उसकी जगह अब जीके की क्लास है। ये लो अब तो हमारे टेक्निकल जो सर हैं उन्होंने भी मैसेज डाल दिया है, पढ़ लीजिए आप आराम से, इंग्लिश में लिखा है बड़ा सा क्या लिखा है। हाँ जी देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, वही सेम लैंग्वेज है। प्रथम अर्धांश में ए को एम और बी को एल से, मतलब उल्टा कर दिया, पहला अर्धांश ए से एम तक है, दूसरा एन से जेड तक है, इसको इन्होंने क्या कर दिया उल्टा, जो ए से एम था उसको कर दिया एम से ए, और जो एन से जेड है उसको कर दिया जेड से एन, यही हुआ ना, ठीक है। चलिए अब बताइए आप क्या पूछ रहा है, दाएं से 11वें के बाएं, शुरुआत दाएं से हुई है तो कहीं भी फिरता फिरो गिनना दाएं से ही पड़ेगा, दायां और ये बायां। बोलो दोस्तों दोनों दिशाएं अलग अलग है, अलग अलग है तो क्या होगा, जुड़ेगा, ठीक है। हां किशन भाई साहब रोज पढ़ाते हैं साहब, ठीक है रोज ही पढ़ाते हैं, तो 11 और 7 देखो दोनों के दोनों अलग अलग हैं, अलग अलग है तो जुड़ जाएगा, 11 प्लस 7 बराबर क्या आ गया 18, दाईं ओर से 18वां अक्षर गिनना है अपने को, दाईं ओर से 18वां अक्षर गिनना है। देखो यहां तक कितने अक्षर हो गए 13, तो इसका मतलब आगे और कितने गिनने अपने को 5 और गिनने हैं, ठीक है। अब 14वां अक्षर कौन है, ए है, तो यार ए से शुरू करके 5 अक्षर गिनेंगे, तो 5वां अक्षर ए से शुरू करने के बाद में गिनने की क्या जरूरत है, ई होता है भाई, 5वां क्वेश्चन ई होता है, समझ में आ गया कि नहीं आया, कोई डाउट है क्या। नरेश कुमार मुझे तो साफ दिखता ही नहीं है, कभी कभी साफ दिखता है, अरे भाई कई तेरे आंखों में दिक्कत तो नहीं है, पूजा योगी नहीं आया, अरे क्या नहीं आया, पीछे वाले वही दो क्वेश्चन सेम रिपीट हुए हैं वापस हैं, वही रिपीट हुए हैं वापस, कोई समस्या है क्या। चलिए ये अगला सवाल, फिर क्वेश्चन का पैटर्न चेंज करते हैं। क्वेश्चन पढ़िए आप क्या है, क्वेश्चन कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वां अक्षर और 7वें अक्षर के बीच अक्षर के बाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा, ये क्वेश्चन आपको पूछ रहा है। बाएं से 12वें और 7वें दो अक्षर, एक तो बाएं से 12वां लेना है और एक 7वां लेना है, उन दोनों के बीच में जो अक्षर है उसके बाईं ओर 8वां अक्षर बताना है कौन सा होगा, बताइए क्या रहेगा आंसर। बढ़िया सवाल है भाई, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन गलतियां करवा देते हैं।
चलिए 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 फटाफट से आंसर दीजिए, और लाइक करने में कंजूसी मत रखो यार, लाइक में कोई कंजूसी मत करो, लाइक करते जाओ। डी आ गया योगेश पचार का आंसर, राजकुमावत का डी आ गया, एस का सी आ गया, राजकुमावत का डी आ गया, अभिषेक जाजड़ा का क्यू आ रहा है, सरिता का डी आ रहा है, बाबा जी का डी आ रहा है, राजू कुमावत का डी आ गया, प्रेम दिवारिया का डी आ गया, कृष्णराज का डी आ गया, कन्हैया बाजडोलिया का डी आ गया, संजू वर्मा का डी आ गया, सरिता डी आ गया, डालूराम सियाग नमस्कार, न्यू रिमिक्स सॉन्ग डीजे क्या पता नहीं क्या क्या लिख रखा है, डी आ गया उसका भी। हा जी चलिए, अंग्रेजी वर्णमाला में एक तो बाएं से बारवां, देखो दोस्तों बाएं से बारवां अक्षर कौन सा होता है, एल होता है, और एक सातवां, इसके साथ दिशा नहीं लिखी तो फिर बाएं से ही मानेंगे, क्योंकि बाएं से बारवां और बाएं से सातवां, थोड़ा बहुत कॉमन सेंस यूज करेंगे, बाएं से सातवां कौन होता है, जी होता है, ठीक है। इनके बीच में कौन सा अक्षर, बीचों बीच कौन सा अक्षर है, तो यार एक बताओ आप, ये सातवां है ये बारवां है, इनके बीच का अक्षर अपने को चाहिए, बीच का अक्षर कैसे निकाले, मैंने आपको क्या कहा, अगर बीचों बीच का अक्षर चाहिए तो आप इनको जोड़कर आधा करो, जैसे 12 प्लस 7 और आधा कर देंगे तो 19 का आधा तो यार 9.5 आ रहा है ना, और 9.5 का कोई अक्षर थोड़ी होता है, होता है क्या, नहीं होता, तो इनके बीच का अक्षर ही पॉसिबल नहीं है, तो उसके बाईं ओर आठवां कहां से गिन ले, आंसर डी होगा, इसको तय नहीं कर सकते, आंकड़े अपर्याप्त है, इस क्वेश्चन का आंसर संभव नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया, चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए बताइए फटाफट से बताइए क्या आंसर रहेगा अगले का। अगला कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में जे अक्षर के बाएं तीसरे अक्षर के दाईं ओर 15वां अक्षर कौन सा होगा, पैसा ही पैसा आया है भाई आज तो लाइव क्लास में, धूम मचा दी भाई, पैसा ही पैसा, इतना पैसा कहां से लाया दादा है? डी आंसर आ रहा है, वाई दे रहा है आंसर। चलिए बताइए, संदीप गुजर गुड इवनिंग भाई, लक्ष्मी सेनी का ए आ रहा है, संजू जाट का बी आ रहा है, सौरभ कुमार का सी आ रहा है, सूरज सिंह राठौड़ का डी आ रहा है, राजकुमावत का बी आ रहा है, कमलेश कशाना का बी आ रहा है, ये क्या लिखा है, रामलाल डांगी पटेल का ए आ गया, जसाराम राजस्थान पुलिस रीजनिंग कॉन्स्टेबल में रीजनिंग के कितने सवाल आते हैं, 10, 10, 20, 10, 30 सवाल आते हैं भाई, जसाराम जसाराम भाई 30 क्वेश्चन आते हैं भैया, ठीक है। चलिए आंसर आ रहा है बी, देखो आप अंग्रेजी वर्णमाला में जे, तो एक काम करो ना यार, जे का क्रमांक लिख लो, फालतू में ज्यादा ऐसे जे के बाएं दाएं गिनने की जरूरत नहीं है, जे कितने नंबर पे आता है, जे आता है बाईं ओर से 10वें पे, तो इस जे की जगह मैंने 10वां लिख दिया, तो बाएं से 10 के बाएं तीसरे अक्षर, बाएं तीसरे अक्षर के दाएं 15वां अक्षर, पूरा समझ लो इसको, यह पूछ रहा है, तो शुरुआत कहां से हुई है दोस्तों, शुरुआत हुई है बाएं से, तो कितनी बार घूम ले भले ये, इसको लास्ट में गिनना तो बाएं से ही पड़ेगा। अब आप देखो इसके साथ तुलना करो इन दिशाओं की, बायां और बायां, शुरू वाली के साथ तुलना होगी, बायां बायां दोनों सेम है, अगर सेम है तो फिर स्थान या क्रमांकों का अंतर आएगा ना कि जोड़ आएगा। और अगला देखो, बायां और दायां, तुलना पहले के साथ ही करनी है हमेशा, बायां और दायां ये दोनों अलग अलग है, अलग अलग है तो जुड़ेगा, तो 10 में से 3 गया, कितना आ गया 7, 7 और 15 22, बाई ओर से 22वां अक्षर कौन होता है, वी होता है दोस्तों, कौन सा होता है, वी होता है, सेकंड ऑप्शन आपका आंसर आ गया, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हर कोई कर सकता है। बताइए अगला सवाल,
अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाईं ओर छठा है जो आपके दाईं ओर से गिनने पर बारहवां है। आपके दाईं ओर से गिनने पर जो बारहवां आएगा ना, वो उस अक्षर के दाईं ओर छठा है, तो वो अक्षर बताना है कौन सा है। बताइए क्या रहेगा आंसर। चलिए 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 फटाफट से आंसर बता दे भैया, कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाईं ओर छठा है जो आपके दाईं ओर से गिनने पर बारहवां है। पहले तो दाएं से बारहवां कौन है उसका पता लगाओ आप। संजू जाट का आ गया डी, रवि खाजोटिया का बी, राजू का डी, राकेश खेरवा डी, आयुष का डी, पूजा योगी का ए, डालूराम शियाग डी, राजू कुमावत डी, सीताराम निषाद का डी, संदीप गुजर का बी, सरिता यू, महेंद्र कुमार नीमा निनामा बी, हरिदर्शन गुप्ता डी, सत्यम तिवारी का आई, पटेल जी का डी। अब देखो आप समझो, अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे पहले तो जो फिक्स कर रखा है उसका पता लगाओ। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाएं छठा है जो आपके दाईं ओर से गिनने पर बारहवां है। दाएं से बारहवां अक्षर पता लगाओ पहले होता कौन सा है। दाएं से बारहवां अक्षर, अब दाएं से बारहवां का मतलब क्या हो गया, वर्णमाला होती है ए से जेड, इधर से बारहवां। तो आप एक काम करो, इसका यह पता लगा लो, क्योंकि दाएं से बारह अक्षर गिनने में दिक्कत आएगी, तो ये पता लगा लो कि दाएं से जो बारहवां है उसका बाएं से कौन सा क्रमांक होगा। उसके लिए अपन क्या कर देंगे, दाएं को बाएं में और बाएं को दाएं में बदलने के लिए दिए गए क्रमांक को 27 में से घटा देंगे। तो दाएं से बारहवां वो है जो बाएं से कौन सा है, पंद्रहवां, और बाएं से पंद्रहवां अक्षर कौन है दोस्तों, ओ है। चलिए साहब, अपना इसका आंसर अपने को मिल गया, ओ अक्षर के बारे में ये बात कर रहा है और क्या कह रहा है वो पढ़ो आप। कौन सा अक्षर उस अक्षर के छट्टा है, इस अक्षर के दाईं तरफ छट्टा, दाईं तरफ छट्टा कौन है, ओ है, ठीक है। कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाईं ओर छट्टा है जो कि दाएं से बारहवां, दाएं से बारहवां अपन ने गिन लिया, कौन आ गया, ओ। ओ है ना, इसके दाईं ओर छठे नंबर पे है, तो वो अक्षर कौन सा आ गया, वो आ गया 15-6 बराबर 9 नंबर पे। और 9 नंबर पे कौन सा अक्षर होता है, आई होता है दोस्तों, 9 पे होता है आई। शब्द याद रखना चाहो रख सकते हो, इनोवा, इनोवा में पहला अक्षर आई और आगे इसका क्रमांक लिखा है नोवा, आई का नोवा इनोवा। इस बात पे पहुंचाओ लाइक 110 और बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत बढ़िया भाई, चलिए बताइए आंसर। निम्न अक्षर अंक श्रृंखला में बाएं से 16वें अक्षर के बाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा है। सिंपल क्वेश्चन, वेरी इजी, वेरी सिंपल। और हरिदर्शन समझ में नहीं आया, अरे यार दादा चलो वापस समझाते हैं। देखो इसने कहा था वापस, तो दो आदमियों के समझ में नहीं आया वो दोनों सुन लो, मेरा फर्ज है एक एक को समझाना। दाएं से बारहवां अक्षर पता लगाओ पहले कौन सा है। दाएं से बारहवां तो आप गिन नहीं सकते, तो इसका बाएं से क्रमांक पता कर लो। दाएं को बाएं में बदलने के लिए किसमें से घटा देते हैं, 27 में से 12 घटा देते हैं, कौन सा आ गया, पंद्रहवां। बाएं से पंद्रहवां मतलब शुरू से पंद्रहवां, और शुरू से पंद्रहवां अक्षर कौन सा है, ओ। और ये ओ है ना, ये उस अक्षर के दाईं ओर छठा बता रहा है, इसके दाएं छठा है, तो इसका मतलब वो जो अक्षर है वो ओ से पीछे छठे नंबर पे है ना। तो लो ओ 15 पे होता है, 15 में से 6 घटा दिया 9, और 9वें नंबर पे कौन सा अक्षर आता है यार, आई आता है। हां रिदर्शन समझ में आया, एक पिंकी मानावत, दो आदमियों के समझ में नहीं आया था, दोनों वापस समझ लो, ये बता दिया मैंने। और इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है ए, देखो क्या कह रहा है, बाईं ओर से 16वें के बाएं 7वां, बाएं से 16वें के बाएं 7वां, शुरुआत बाएं से हुई है तो इसको गिनना बाएं से ही पड़ेगा। और देखो दोस्तों, बायां और बायां दोनों सेम है ना, अगर सेम है तो फिर घटा दो,
घटा देते हैं, 16 माइनस 7 बराबर 9, बाईं ओर से 9 अक्षर अंक संकेत जो भी है वो बताना है। तो बाईं से 9, इधर से 3 और 3 6 और 3 9, 9 नंबर पे कौन आ गया? टी आ गया। फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर हो गया। सिंपल है ना? वेरी सिंपल। सिंपल नहीं, वेरी सिंपल। बताओ अगला क्वेश्चन। बताइए क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर? चलिए आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन आ गया भाई, बता दीजिए आंसर, बता दीजिए फटाफट से। जो लाइक नहीं कर रहे हैं, कंजूसी मत करो यार, कंजूसी मत करो। आज के युग में भी कंजूसी करोगे क्या आप? क्वेश्चन कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया, मतलब उल्टा लिख दिया साहब। जो अंग्रेजी वर्णमाला ए से जेड होती है, इसने उसको जेड से ए लिख दिया। इस पे ध्यान ही मत दो आप, ठीक है? आप एक बार बताओ अपनी तरफ से, देखो क्या आएगा। बाबूलाल नमस्कार भाई, बी आंसर आ रहा है, सबका आंसर चल रहा है बी। एक काम करो दोस्तों, आप पहले इसका पता लगा लो कि ये कौन सा अक्षर की बात हो रही है। बाएं से बारहवें के दाएं आठवां, देखो शुरुआत बाएं से हुई है तो गिनना तो बाएं से ही पड़ेगा। बाएं से बारह, और ये देखो बायां और दायां दोनों अलग अलग है। अगर ये दिशाएं अलग अलग होती है तो हमेशा जुड़ता है। लक्ष्मी सैनी क्लास का टाइम 7 से 8 है, ठीक है? 7 से 8, तो ये जुड़ जाएगा। 12 और 8 कितना गया? 20 आ गया। आपको दोस्तों बाईं ओर से कौन सा बताना है? 20वां। अब देखो आप, बाईं से 20वां मतलब क्योंकि वर्णमाला उल्टे क्रम में लिखी है तो इधर से 20वां हो गया ना। इसीलिए क्या करना है, ऐसे वर्णमाला को लिख लिख के नहीं देखना। अगर ये कह दे कि वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा गया या उल्टा करके लिख दिया तो आपको कुछ नहीं करना। ये जो क्रमांक आया आपका बाएं से 20वां ज्ञात करना है ना, आप इसको ये मान लो कि दाएं से 20वां ज्ञात करना है, बस काम खत्म। अपने आप वर्णमाला उल्टी हो गई। अगर वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिख दे तो मूल दिशा का क्रम उल्टा कर देना, बस आपको और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो देखो दाएं से 20वां अक्षर अपने को ज्ञात करना है, और मैंने आपको क्या कहा था दोस्तों, दाईं ओर से 20 अक्षर गिनना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए आप यह पता कर लो कि जो दाएं से 20वां है उसका बाएं से कौन सा नंबर आता है, और दाएं को बाएं में बदलने के लिए किस में घटा देते हैं? 27 में से घटा देते हैं। तो दाएं से 20वां वो है जो बाएं से 7वां है, और बाईं ओर से 7वां अक्षर कौन सा होता है दोस्तों? जी होता है। आंसर आ गया आपका जी, और जी का क्रमांक याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। देखो जी ऐसे ही लिखते हो ना, तो इस जी के अंदर इसका क्रमांक छिपा हुआ है, देख लो ये रहा 7 नंबर लिखा हुआ है जी में, 7 नंबर जी के अंदर खुद में ही 7 लिखा हुआ है। जैसे ऐप होता है तो ऐप को नीचे से मिला दोगे अपने आप इसका क्रमांक बन जाएगा 6 नंबर। जैसे एच होता है, एच को ऊपर नीचे से मिला दोगे अपने आप इसका क्रमांक बन जाएगा कितना? 8 नंबर। कुछ तो ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट इसके अंदर ही इनका क्रमांक छिपा हुआ है। मीना स्टेटस नरेंद्र नाग, क्या लिख रहा, नंदगांव जिला चेंज हो जाएगा क्या? भाई एक काम करो, नीचे कॉन्टेक्ट नंबर चल रहे हैं ना, उनपे आप कॉल कर लो, आपको सारी आपके एक एक डाउट क्लियर करेंगे वो सर, वो आपके इंतजार में बैठे रहते हैं किसका कॉल आएगा, ठीक है ना? चलिए बाकी मेरा काम पढ़ाना है आपको, ये चीज है वो सर क्लियर कर देंगे अभी का, हाथों हाथ आप कॉल कर लो, वो बता देंगे आपको जिला चेंज हो जाएगा क्या होगा क्या नहीं होगा, पूरी प्रोसेस बता देंगे। मिलते हैं दोस्तों कल, ठीक है? लाइक करना नहीं भूलना, जिन्होंने लाइक नहीं किया कल क्लास को शेयर करना। बढ़िया सेशन चल रहा है, शानदार सेशन चल रहा है, पुलिस कांस्टेबल बनाने की पूरी तर्ज पे चल रहा है। तो कल मिलते हैं इसी टाइम 7 बजे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।